इस वीडियो में बात करेंगे हार्ट डिजीज से जुड़े हुए कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में। मिसकंसेप्शन नंबर 1, मेरी एज कम है, मुझे तो हार्ट डिजीज हो ही नहीं सकती। Well, this is true that heart disease is more common in older adults, but ऐसा नहीं है कि एज कम होने पे हार्ट डिजीज के चांसेस जीरो हो जाते हैं। कुछ कंडीशंस जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, कुछ कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स जो कि फैमिली में रन कर रहे होते हैं, स्मोकिंग की हैबिट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब कम एज में भी हार्ट डिजीज के लिए आपको बना सकते हैं प्रोन। मिसकंसेप्शन नंबर 2, ओनली मेन गेट हार्ट डिजीजेस। व्हाइल दिस इज ट्रू that men are more likely to land up with heart disease, but females can also get heart disease after the menopause. मेनोपॉज के बाद मेल्स और फीमेल्स में हार्ट डिजीज का रिस्क इवन आउट हो जाता है। इनफैक्ट कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज में हार्ट डिजीज फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। मिसकंसेप्शन नंबर 3, अगर मुझे कोई सिम्टम नहीं, मुझे प्रॉब्ली हार्ट डिजीज नहीं। बहुत सारे लोगों को हार्ट डिजीज सालों तक अनडायग्नोज पड़ी रह सकती है बिफोर देयर सिम्टम्स सेट इन। लैक ऑफ सिम्टम्स डज नॉट इम्प्लाई एब्सेंस ऑफ डिजीज। इफ यू हैव बीन प्लेइंग विद फायर, यानी कि अगर आपके पास अच्छे खासे रिस्क फैक्टर्स हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल डीरेंज्ड है, आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, डायबिटीज डीरेंज्ड है, आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, स्मोक करते हैं, अल्कोहल का ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, यू आर वेरी लाइकली टू लैंड अप इन हार्ट डिजीज एंड यू मे नॉट इवन रियलाइज कि आप अपने हार्ट का कितना नुकसान कर रहे हैं until one fine day. Misconception number 4, heart disease is inevitable if it runs in your family. देखा जाए तो जेनेटिक्स का या फैमिली हिस्ट्री का हार्ट डिजीज में अच्छा खासा रोल है। अगर हार्ट डिजीज की फैमिली हिस्ट्री आपकी है, यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीजेस। बट ऐसा नहीं है जेनेटिक्स सोलली रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट डिजीज के लिए। There are number of factors at play. Eating a healthy diet, exercising, smoking ना करना, ये आपके हार्ट डिजीज के चांसेस को कम कर सकता है, even if you have a positive family history of heart disease. Misconception number 5, अगर हार्ट डिजीज है तो प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक की ही होगी। While heart attacks are the common presentation of underlying blockages in the arteries, ऐसा नहीं है कि blockages का manifestation हर बार हार्ट अटैक के फॉर्म में ही होगा। कई बार प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक की नहीं होती है, प्रेजेंटेशन होती है एंजाइना की। एंजाइना क्या होता है? एंजाइना का मतलब होता है छाती में दर्द, भारीपन, घुटन, जो आप मेहनत का काम करते हैं उसके साथ बढ़ता चला जाता है, आप मेहनत का काम करना बंद कर देते हैं, पेन चला जाता है या हेवीनेस चली जाती है। मिसकंसेप्शन नंबर 6, चेस्ट पेन इज द ओनली साइन ऑफ हार्ट अटैक। एक्चुअली में देखा जाए तो हार्ट अटैक का मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन चेस्ट पेन ही होता है। बट क्या चेस्ट पेन इकलौता सिम्टम है जो हार्ट अटैक में होता है? नहीं। देयर माइट बी अ वैरायटी ऑफ सिम्टम्स एंड इन सम केसेस जहाँ पे अंडरलाइंग डायबिटीज हो और आपकी एज बहुत ज्यादा हो, द सोल मैनिफेस्टेशन इन दीज केसेस माइट ओनली बी ब्रेथलेसनेस। इसके अलावा कुछ लोग कभी जॉ पेन, कभी अपर एब्डोमिनल पेन या सिर्फ नॉजिया एंड वॉमिटिंग की ही कंप्लेन करते हैं। यू शुड हैव अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन व्हेन यू हैव गॉट दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स। मिसकंसेप्शन नंबर 7, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज। होनी होगी तो होगी, देखी जाएगी। Well, this is the worst thing that you can do to yourself. There are multiple lifestyle measures one can adopt to prevent heart disease. इन lifestyle measures में आता है heart healthy diet का consumption, regular exercise, smoking छोड़ना, alcohol का consumption बंद करना, cholesterol को control करना, diabetes को control करना, ब्लड प्रेशर पे रेगुलरली नजर रखना। इसके अलावा there are certain medicines which can be given in appropriate patients to lower down the risk of heart diseases in future. Misconception number 8, saturated fat is healthy. बहुत सारे लोग जो कीटो डाइट को एडवोकेट करते हैं वो बोलते हैं सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन करिए, वेट लॉस होगा, सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन करिए, डायबिटीज कंट्रोल होगा, सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन करिए, BMI कम होगा। इनफैक्ट इंडियन हाउसहोल्ड्स में घी का भी कंजम्पशन अच्छा खासा हाई है। घी इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट से ना सिर्फ एक ही चीज होती है, आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर नाम बैड कोलेस्ट्रॉल है तो कुछ गुड तो नहीं ही करा रहा होगा। बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पे चांसेस ऑफ लैंडिंग अप इनटू अ हार्ट अटैक या चांसेस ऑफ लैंडिंग अप इनटू अ स्ट्रोक या पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज बढ़ जाते हैं। मिसकंसेप्शन नंबर 9, अगर हार्ट डिजीज की बात की है तो जरूर से स्टेंट या बाईपास हो जाए। वेल, स्टेंट्स एंड बाईपास आर इफेक्टिव थेरेपी फॉर हार्ट डिजीजेस जहाँ पे फ्लो लिमिटिंग ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, यानी कि आर्टरीज में आगे की तरफ ब्लड जाने में रुकावट आने लगती है। जिनको भी हार्ट डिजीज है उनको सिम्टम्स आने लगते हैं बिकॉज ऑफ एंजाइना प्रॉब्लम, उनके लिए स्टेंट या बाईपास इज एन इफेक्टिव थेरेपेटिक ऑप्शन। बट देयर आर मेनी पेशेंट्स जहाँ पे हार्ट डिजीज होती है, ब्लॉकेजेस होते हैं, बट वो इतने टाइट नहीं होते जिसमें हमें ब्लॉकेजेस खोलने की जरूरत। उन केसेस में मेडिसिन आर द ओनली थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। मिसकंसेप्शन नंबर 10, हार्ट डिजीज इज अ डेथ स्टेटमेंट। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हार्ट डिजीजेस एक सीरियस इशू है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इट कैन बी ट्रीटेड वेल, इट कैन बी मैनेज्ड वेल। सर्जिकली इसको ठीक किया जा सकता है, मेडिकली इसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है और स्टेंट्स के ऑप्शंस ऑफर किए जा सकते हैं उन पेशेंट्स में जिसमें हार्ट डिजीज की बात हो रही है। तो डरो मत, आंख बंद कर लेने से हमारी प्रॉब्लम्स कहीं चली नहीं जाती है। विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस मेनी पीपल विथ हार्ट डिजीज आर एबल टू लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइव्स। और ये जानने के लिए कि हार्ट अटैक यंग इंडियंस में इतना कॉमन क्यों है, इस वाले वीडियो को जाके देखो।